तो हेलो दोस्तों, हमारे पास आज है नया खिलौना जो कि हमारे पास अभी अभी डिलीवर हुआ है फ्लिपकार्ट से। और ये है टेंट जो हम अभी अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे और इसके अंदर क्या निकलता है मैं आपको दिखाता हूँ। अरे तीसरा अनबॉक्सिंग, तीसरा रेडी अनबॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि एक आया है टेंट आया है जो बच्चों का खिलौना होगा जिसके अंदर तीसरा और अधिक खेलेंगे। अभी ऊपर बैठा है, अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसको खोलते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके के डब्बे में हमारे पास ये आया जो तीसरा के हाथ में, और हमने इस डब्बे को खोल लिया। इसके अंदर से हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें निकली हैं। इसमें हमें मिले हैं 4 ये ग्रीन कलर के मिले हैं, 5 येलो कलर के मिले हैं, और हमें मिले हैं 6 ये ब्लैक कलर की। इसके साथ हमें मिला है एक ये इंस्ट्रक्शन शीट मिली है, ये नहीं मिला, ये हमारा है। और उसके साथ हमें मिले हैं कुछ ऐसे रॉड्स मिले हैं छोटे वाले, और छोटे वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5 छोटे वाले हमारे पास हैं, जिनका नाम A1 लिखा हुआ है इसमें। A1 ये 14 है, और ये जो तीसरे के हाथ में बड़े वाले हैं इसमें लिखा हुआ है E2, ये 6 है। और इसके साथ में मिला है ये जिसका मटेरियल है, मटेरियल काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल तो, अच्छा लग रहा है। अभी हम इसको पूरा असेंबल करके बताते हैं। तीसरा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी, मेरा फेवरेट कलर थी। तीसरा का फेवरेट कलर आ गया, पिंक कलर आ गया। सो गाइस यहाँ पे सो मैं और तीसरा जल्दी से असेंबल करके आपको दिखाते हैं हमारा टेंट हाउस कैसे बनता है इन सबको असेंबल करके। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें तीसरा, कलर बदल गया है। सो गाइस जैसे जैसे वीडियो बनता जाएगा आगे का तो कलर बदलता रहेगा, जल्दी से शुरू करते हैं इससे पहले कोई और कलर हो जाए। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें स्टेप वन करना है। स्टेप वन में हमें यहाँ पे A1 चाहिए, 1, 2, 3, 4 4 A1 चाहिए होंगे, 2 A2 चाहिए होंगे, और इनको ऐड करने के लिए B1 चाहिए होंगे, और यहाँ पे D1 चाहिए होंगे। सो गाइस मैं आपको इतना बना के फिर दिखाता हूँ। सो गाइस सबसे पहले हमें इसका रबर बैंड निकालना है। सो निकालो निकलेगा, आप ये निकालो, मैं निकालता हूँ। तो मैं एक हाथ से निकाल देता हूँ, ये देखिए, ये आसानी से। और इसकी स्टिच जो है काफ़ी मजबूत लग रही है, देखिए ये वो बड़े वाले को अलग रखना टीचर से, इसमें से रबर बैंड निकला है। और ये स्टिक्स ठीक ठाक है, काफ़ी मजबूत है, मतलब ये हल्की क्वालिटी की तो नहीं लग रही है। मेरे पास ये छोटे वाले अलग हो गए, इसमें से मेरे को जितने चाहिए मैं अलग करता हूँ। और यहाँ से टीचर ने बड़ा वाला भी खोल दिया। सो गाइस ये बड़े वाले, ये छोटे वाले जिनको हमने यहाँ पर देखा था, तो इनका असेंबल करके हम आपको दिखाते हैं। ये लगाओ, तो इस तरीके से बनाना है। इस साइड लगाओ उसमें, ये इसके दूसरी साइड डालो डालो, हाँ ये खुद पकड़ के करो। तो गाइस इस तरीके से बनाना है हमें। ये बन गया और ये दूसरा बन गया, तो हमारे ये बन गया है, ये वाली साइड बन चुकी है। अब हम इसको दूसरा लगाते हैं। ओके, तो गाइस बड़ी वाली स्टिक में हमने उसके जो नंबर का था वो लगा दिया, और इसको मैं थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, तीसरा से टाइट नहीं हो पाया तो मैंने इसको टाइट कर दिया। और इसी में दूसरी साइड का भी टाइट कर देता हूँ, दूसरी साइड का निकल कोई तो इसको थोड़ा सा ये टाइट हो गया, ठीक है, काफ़ी टाइट हो गया। ऐसे ही ये वाला भी हो गया, और इसके दूसरी साइड भी टाइट हो गई है। अब हम इसको इसमें लगाते हैं ऐसे करके। तो गाइस इस तरीके से ये सेट हो रहे हैं, अब ये इस साइड लगेगा, इसको उधर से लगा के बताते हैं। टीशर्ट उसमें डालो। सो गाइस हमारा बन चुका है, इस तरीके का बन चुका है हमारा, एक बेस बन चुका है इसे हम बोलेंगे ये वाला, ये फिगर हमारा बन चुका है। अब हम इसको इसमें लेके आते थे, इसके लिए हमें इसके जो A2 है, A2 के यानी कि टॉल वाले से, टॉल वाले लगाने इसमें 4, तो पहले इनको लगाते हैं और उसके बाद इसमें ये D2 लगाएंगे। ये वाला स्टेप तक हो चुका है, ये देखिए इस तरीके का बन गया ये। तो इसका बेस हमने लगाया पहले, उसके बाद फिर हमने ये लगाया, ये 4 लगाया, और ऊपर से अब ये लगा दिया। अब ये देखिए ये बाहर को आ रहे हैं सारे, अब इसका क्या फंक्शन है हमें आगे पता लगेगा। सो ये इस तरीके से बन चुका है, और फिर लास्ट में लगेगा ये। करे तीसरा आगे बढ़े। ओके पापा, हाँ। तो गाइस इतना बन चुका है, अब सिर्फ ये टॉप वाला बनाना रह गया, ये लगाना रह गया। और इसके लिए ये दो बच्ची हैं ब्लैक वाली, ये देखिए, तो बहुत देर लग रही बनाने में, तो तीसरा वहाँ चले गई है वापस, अपना TV देखने चले गई है। अभी जब ये लग जाएगा फिर आएगी शायद, ये देखिए। सो ये इस तरीके से दिख रहा है कुछ। सो गाइस ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी तो आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। ये डेलिकेट होती हैं, तो आराम से इसको हल्के हल्के लगाना, बीच से जोर मत लगाना, सिर्फ यहाँ पर आप जॉइंट करोगे तो यहाँ से ऐसे करना, जॉइंट करके बीच से जो लगाओगे तो टूट सकता है। तो ये इस तरीके का बनके तैयार हो गया, ये देखिए इसकी हाइट लगभग, ये देखिए दरवाजे के यहाँ तक जा रही है ये, इसको आपको हाइट दिखाता हूँ, ये देख, ये लगभग इतनी आ रही है। अभी पूरा बनाता हूँ फिर दिखाता हूँ, अब इसमें ये लगाते हैं।
तो गाइस इसके साइज़ का ये है, इसकी क्वालिटी अच्छी ठीक ठाक लग रही है, मतलब बहुत हैवी तो ज़्यादा हैवी ही है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है और बहुत हैवी तो नहीं है लेकिन अच्छा है, ये काफ़ी मजबूत लग रहा है, तो मतलब ये क्वालिटी अच्छी कहूँगा मैं इसको। सो इसको इसके अंदर लगाता हूँ, देखिए तो ये इस तरीके का ही बना हुआ है, आई थिंक इसका शेप का ही बना हुआ है, इसको इसके अंदर रखना है। रेडी हो चुका है ये, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसका ये अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ से बच्चे अंदर जाएंगे, नीचे मैंने बैठने के लिए बिछा दिया, उसमें तीसरा अंदर जाएगी। तीसरा जाओ, तीसरा अपने खिलौने लेके आ गई है, जा होगा। इस टेंट के अंदर तीसरा घुस चुकी है, इसकी हाइट मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये तीसरा अंदर टेंट पर, देखिए ये टेंट है। तो इसकी हाइट अगर आप इस कबर्ड के हिसाब से लगाना चाहें तो ये ऑलमोस्ट इसके बराबर आ रही है, थोड़ी सी रहती है। और ये इसमें हार्दिक का हार्दिक इधर चले जाए, इसके अंदर जा, देखिए हार्दिक भी जाकर दिखाएगा इसके अंदर, चले जा, जा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तीसरा और अंदर पे जाओ। ये देखिए भाई, तो आराम से यहाँ पे दो बच्चे आ गए हैं, देखिए इसके अंदर, और इसके अंदर ही अपना पढ़ाई गेम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें ये दरवाज़ा दिया हुआ है, इसको बांधने का कुछ सिस्टम है, अभी देखते हैं ये कैसे बंधेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, बाकी इसमें कोई खिड़की नहीं दी हुई है। ये देखिए बाहर आने का लिए आपको ऐसे कुछ करना पड़ेगा, ये देखिए। ये देखिए ये है हमारा बच्चों का घर आ गया, टेंट हाउस आ चुका है, और ये इसके अंदर आया था, ये इसका बॉक्स है। सो काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका, और अब तीसरा इसके अंदर खेलेगी, और अधिक इसके अंदर खेलेगा, अधिक इसके अंदर पढ़ाई भी कर सकता है, ठीक है इसके अंदर खेल लेना। सो गाइस ये इस तरीके से कुछ बन गया, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, अराउंड 400 ही है। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो आप फिर भी बाय कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत अच्छा मटेरियल है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और काफ़ी छोटे बच्चों के लिए है ठीक ठाक, जैसे तीशा की एज के ग्रुप बच्चे ना 7-8 ईयर्स तक के बच्चे आराम से आ जाएंगे। हार्दिक भी चला जा रहा है, 10+ भी जा सकते हैं, बट उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट तीशा के लिए तो परफेक्ट है। देखिए तीशा अपने खिलौने लेके जा रही है, यहाँ से देखिए तीशा अपने डॉल हाउस के अंदर चली गई है, ये देखिए अपने खिलौने भी ले आइए वहाँ पर। तो गाइस मेन चीज़ इसमें है इसकी ये जो रॉड्स हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितने वो स्ट्रांग है, और सेकंड थिंग ये है इसका मटेरियल। तो इसके इसके मेरे को रॉड्स भी स्ट्रांग लगे, उनका मटेरियल स्ट्रांग लगा, और ये तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है, लगभग जैसी बरसाती होती है ना उस तरीके का, सो काइंड ऑफ वेरी गुड, आप बाय कर सकते हैं इसे। गाइस ये था हमारा टेंट हाउस जो हमने अपने बच्चों के लिए खरीदा, आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा टेंट हाउस खरीद के अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं। बच्चों को अभी बहुत पसंद आया, और बच्चों की अम्मा को भी बहुत पसंद आया, बच्चों की अम्मा भी बहुत खुश है। बच्चों की अम्मा बताइए आपको कैसा लगा, नहीं बोल